हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मे बी यू आर गुड एंड हेल्थी इन योर होम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13, राइट एंड रॉन्ग। ओके, नंबर 1, देयर आर रिवर्स इन ईच विलेज। हर गांव में एक नदी होती है। हर गांव में नदियां होती हैं? नहीं, ये गलत है। कई कई गाँव में नदियाँ होती हैं, सारे गाँव में नदियाँ नहीं होती हैं। ओके, सो आंसर आएगा फॉल्स। नाउ 2 नंबर, एक्वेटिक क्रिएचर। एक्वेटिक क्रिएचर मतलब जलीय जीव, जो जल में रहते हैं वो जीव। ओके, सो डाई ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पर इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, उनके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जलीय जीव की मृत्यु जो होती है औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जल प्रदूषण होता है। ओके, तो इज द करेक्ट, यस आंसर इज ट्रू। नाउ 3 नंबर, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप रिवर वाटर क्लीन। ओके, यह हमारी ड्यूटी है कि हम नदी के पानी को साफ रखें। आंसर इज ट्रू। ओके, नाउ 4 नंबर, वाटर ऑफ रिवर्स दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स इज कलरफुल। ओके, पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ, जो भी नदियाँ हैं जो पहाड़ों से निकलती है, उनका पानी रंगीन होता है, उन नदियों का पानी नहीं। ये आंसर इज फॉल्स। 5 नंबर, लेक वाटर इज क्लीनर देन रिवर वाटर। नदी का पानी, सॉरी, झील का पानी नदी के पानी की तुलना में साफ होता है। यस, यस या नो? नो। ओके, रिवर जो वाटर होता है वो फ्लो होते रहता है, इसके लिए उसका जो पानी है वो साफ होता है। लेक का पानी एक ही जगह स्टे रहता है, तो उससे क्या होता है, जो लेक है, जो झील है, उसका पानी क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। ओके, सो आंसर इज फॉल्स। नाउ 6 नंबर, देयर आर एप्स एंड टाइड्स इन अ सी। यस, जो समुद्र है उसमें क्या होता है, एप्स और टाइड्स होते हैं, मतलब ज्वार भाटा उमड़ता रहता है। ओके, आंसर इज ट्रू। 7 नंबर, मोस्ट ऑफ रिवर्स मीट सम सी। ज़्यादातर जो रिवर हैं, जो नदियाँ हैं, वो कहाँ पर जाके मिल जाती है, सी में जाकर मिल जाती है। सो आंसर इज ट्रू। सो थैंक यू स्टूडेंट।